नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका हमारे नारी तू नारायणी के कार्यक्रम में। आज एक विशिष्ट नारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ श्रीमती संगीताबेन पाटिल की, और दो अवधि से वो विधायक हैं लिंबायत जोन के। तो स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार संगीता जी, आप दो अवधि से लिंबायत इलाके के विधायक हो, और काफ़ी संघर्ष किया है आपने जीवन में। एक छोटे स्तर से लेकर आप यहाँ तक पहुँचे हो, काफ़ी उपलब्धियाँ आपने प्राप्त की। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा दर्शकों को एक आपका जो संघर्ष गाथा है वो थोड़ा बताइए। नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ संगीताबेन पाटिल। मैं दो टर्म से विधायक हूँ लिंबायत क्षेत्र के सूरत गुजरात से। जब मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता थी, और कार्यकर्ता होने की वजह से हर एक दरिक जैसा कुछ भी काम होता है वो हम लोग करते थे। ऐसे करते करते हम जब एक एनजीओ में हम शामिल हुए। एनजीओ में शामिल होते होते उसमें से बहुत सारी एक्टिविटी हमने की है। उसमें महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करते रहते थे, और हमारे एनजीओ में 40 से 45 हज़ार जितनी महिलाओं जुड़ी हुई है, और उनका उत्थान होना, उनको आर्थिक उपार्जन मिलना, यही हमारा उद्देश्य होता है। इसी तौर पे हम लोग काम करते थे, जैसे कि उनको सीएम क्लासेस है, कंप्यूटर क्लासेस है, और साथ साथ में उनको जो भी सरकार की स्कीम हो, केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की जो भी योजना हो, उनको तो पहुँचाना, यही हमारा पहला तो मकसद था। और उसी मकसद से चलते हम आगे चलते चलते ये यहाँ तक हम पहुँचे हैं। आप एक महिला विधायक हो, एक पुरुष प्राधान्य देश के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एक महिला होने से? जिस क्षेत्र का मैं नेतृत्व कर रही हूँ, ऐसे तो वो बहुत सभी सूरत शहर में किसी 12 जो सीट है उसमें से वो सीट ऐसी है जो संवेदनशील और खतरनाक सीट मानी जाती है। ऐसे विस्तार का जो नेतृत्व करने की वजह से सभी अनुभव, सभी एक्सपीरियंस मुझे आए हैं। जैसे कि वो क्षेत्र ऐसा है कि ऐसे लोग बोलते हैं, मैं मानती नहीं हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि वो दिन दहाड़े भी उधर चोरी लूट ऐसी सभी घटना बनती रहती है, और उधर जाने का कोई मकान खरीदने का नाम नहीं लेता है। सूरत में से जो भी सूरत में रहते होंगे वो लिंबायत क्षेत्र में जाने के कभी तैयार नहीं होता है। ऐसी सीट का मैं नेतृत्व कर रही हूँ, लेकिन मेरे जो सीट है मैं मुझे ये बहुत प्यारी है, क्योंकि अभी जो लोगों की पहले छः सात साल पहले जो मान्यता थी, अभी जो थोड़े दिन पहले ही जब लिंबायत में कोई भी आता है तो ऐसा बोलता है पहले का लिंबायत और अभी का लिंबायत बहुत सारा फर्क हुआ है, और उधर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा विकास डेवलपिंग हुआ है, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उधर आ रहे हैं, और पहला का लिंबायत और अभी का लिंबायत बनाने के लिए जो भी हमने संघर्ष किया है, जिनका भी मार्गदर्शन लेना था हमने लेकर भी, लेकिन उधर संघर्ष करते करते अभी अच्छा सा डेवलपिंग हमारा लिंबायत क्षेत्र हुआ है, इसका भी मुझे आनंद है। कल विश्व महिला दिन था, कैसे मनाया आपने? कल विश्व महिला दिन था। पहले तो मैं सभी विश्व की सभी नारियों को नमन करती हूँ, सभी महिलाओं को नमन करती हूँ, हैप्पी वुमेंस डे। और साथ साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे मेरे विस्तार में मेरा विस्तार है, लेकिन सभी एक्टिविटीज उधर होती रहती है। अअभी विश्व महिला दिन के तौर पे 3-4 कार्यक्रम अलग अलग विस्तार में रखे थे, और उधर मुझे इनवाइट किया था, हमने भी एक कार्यक्रम रखा था जिसमें पूरे सूरत शहर की अलग अलग क्षेत्र में काम करती महिलाओं का सम्मान करके उनको प्रोत्साहित किया है। वो फिर एडवोकेट हो, मॉडलिंग में हो, या फिर अभिनेत्री हो, अभी दरेक क्षेत्र में डॉक्टर इंजीनियर भी हो, और कुछ कुछ ऐसी सिद्धि प्राप्त की है उनको हमने कल सम्मान किया था। और साथ में एक ऐसी लेडीज थी जो मेरे विस्तार की थी, जो चार पाँच महीने पहले जो एक्सीडेंट बहुत बड़ा हुआ था, जिसमें चार लोग एक ही गाड़ी में जा रहे थे, उनको जब ठोकर लगी थी और दूसरे टक्कर मारी थी, तो उसमें वो लोग सब पूरा परिवार
मृत्युमुखी हो गया था, लेकिन उसमें जो एक छोटा बच्चा जो 6-7 महीने का था उसको उछल कर दूसरी जो लेडीज थी वो लेडीज ने झेला था और उसने उसको बचाया था, तो उसका भी हमने कल सम्मान किया था। ऐसी तरह हमने ये कल विश्व महिला दिन मनाया था। कहते हैं कि आपके इलाके में आपकी बहुत बड़ी लोकचाहना है और आपके कार्यालय में कोई भी आता है तो खाली हाथ नहीं जाता। वैसे तो मैं जब पहले टर्म में थी तो इतना अनुभव था, लेकिन एक कार्यकर्ता थी, लेकिन विधायक बनने के बाद कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आप लोग सब समझ सकते हैं। जो मेरा विस्तार है, छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, सामान्य कक्ष के लोग हैं, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी समस्याएं आती रहती है, तो वो लोग सभी मेरे पास आते हैं, सभी को संतोष देना ये मेरा काम होता है। और उसी वजह से मैं जो भी लोग आते हैं उनको संतोष होना चाहिए, उनका समस्या का निराकरण होना चाहिए, ये मेरा प्राधान्य है, वही करती हूँ। इसकी वजह से लोगों को आनंद मिलता है कि हमारा काम संगीता बहन के यहाँ जाके हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। आपका जो कार्य क्षेत्र है लिम्बायत थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है और वहाँ पे बहुत अच्छे काम हुए, तो आपके कार्यकाल के दरमियान कौन सा ऐसा ठोस काम किया है वहाँ पे हुआ है जो जिसको आपको खुद को बड़ी खुशी है? इधर उधर मेरे क्षेत्र में एक स्मशान गृह जब हम गए थे, खाली ऐसा खंडर जैसा पड़ा था, कुछ नहीं था, जंगल जैसा पड़ा था, उसको हमने डेवलपिंग करके 12-13 करोड़ के खर्चे से चालू किया है, प्रगति में है। अभी 20-22 साल से एक प्रश्न था कि उधना लिम्बायत को जोड़ने का एक ही ब्रिज नहीं था, कुछ नहीं था, एक गन्नारा है और उसमें से ही जाना पड़ता था, जब कभी बारिश आती है वो भी बंद हो जाता था, और वो उस पर जो आरोपी लाना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। 4 सालों के बाद अभी परसों ही हमने उसका इनॉग्रेशन किया है, लोकार्पण किया है, तो इतने सारे काम उधर हुए हैं। अभी मैं बोलती थी कि 16 यानी कि 700-800 करोड़ के काम मेरे विस्तार में हुए हैं, इसलिए अभी लिम्बायत पहले जैसा नहीं रहा है, यही मैं कहना चाहती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा अभियान है, इसके अंतर्गत आपने क्या योगदान दिया है और आपके क्या विचारधारा हैं? हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब जैसे 5 सालों पहले जैसे पंतप्रधान बने थे, वड़ाप्रधान बने थे, तब से लेके गरीबों की बहुत सारी चिंता करते रहते हैं, और गरीबी से ठीक है, लेकिन महिलाओं, जो भी महिलाओं हैं, लड़कियां हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों की ज़्यादा चिंता की है, और उसी वजह से उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया है, इम्पोर्टेंस दिया है। और उसी अंतर्गत जो सुकन्या समृद्धि योजना है, जो एक बहुत बड़ी अच्छी बोली जाए कही जाए ऐसी योजना लाई है, उसी अंतर्गत हमने हमारे क्षेत्र में एक पर घर बाकात नहीं रहे ऐसा प्रयत्न किया है कि जिसकी लड़की 1 महीने से लेके 10 साल तक है उसका सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाने में हमारे सांसद से श्री ने भी बहुत मदद की है, और अभी भी प्रयत्न चल रहा है कि कोई बाकी न रह जाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और दरेक 15 दिन में या 1 महीने में हमारा कैंप होता ही रहता है, उसमें सभी एक्टिविटी जैसे कि आधार कार्ड हो, किसी का चुटनी कार्ड का लिख कुछ काम हो, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, सुकन्या समृद्धि योजना का हो, कुछ भी हमारी एक्टिविटी जो भी सरकार की स्कीम है उसमें हम कैंप में रखते हैं और लोगों को लाभ मिले, लोगों तक पहुंचे ऐसा हम प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा प्रयास करते हो आप। लिम्बायत एरिया जो है वो वॉलेटाइल है या विस्फोटक एरिया है, वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन उसमें काफ़ी सुधार आया है। वैसे ही महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे तो उस एरिया में महिलाओं के ऊपर भी काफ़ी अत्याचार होता था, उसमें भी काफ़ी बदलाव आया है, इसके लिए आपका क्या योगदान था? जब मैं नहीं थी तब तो मैंने लिम्बायत के बारे में बहुत सारे सुना था, लेकिन जब से अभी मुझे 7 साल हुए हैं, 7 सालों से मैं उधर विधायक हूँ, और मैं कभी भी 1-1.5 बजे रात को अकेली जाती हूँ,
मेरा ड्राइवर होता है और मैं होती हूँ, अकेली जाती हूँ, किधर भी कुछ भी बना बनता है तो मैं चली जाती हूँ। लेकिन आज तक मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया कोई किसी ने मुझ पर हमला किया होगा, कोई आया होगा, ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं है। लेकिन मेरे साथ उधर जितनी भी औरतें काम करती है वो भी अभी कहते हैं कि हम लोग 12-12:30 बजे तक किधर भी जाए ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, कुछ अनबना एक दो बना बनते ही रहते, वो तो सभी सभी जगह होते हैं, उसको छोड़ के। लेकिन अभी लिम्बायत में ऐसा कुछ होता नहीं है। पुलिस प्रोटेक्शन भी बहुत सारा अभी उधर बढ़ गया है, क्योंकि पहले एक ही पुलिस स्टेशन था, अभी अलग चौकियाँ जैसे कि बनवा दी गई है। हमने ही बहुत सारे प्रयास करके उधर चौकियाँ भी ज़्यादातर खोल दी है, और पुलिस का भी बहुत अच्छा सपोर्ट होता है। कुछ बना बनता है तो तुरंत हम लोग उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, वो भी आ जाते हैं। अच्छा सा तरह उधर अभी जैसे सूरत है ऐसे ही लिम्बायत बन गया है। बहुत अच्छा मैडम, वर्तमान अवधि में आपके विधायक हो तो और क्या सोचा है उस आपके एरिया को, आपके कार्य क्षेत्र को, और उसमें क्या विकास के काम करने वाले हो? हमने महिलाओं के लिए एक सोलर चरखा ट्रेनिंग सेंटर है जो मुद्रा योजना अंतर्गत शुरू किया है। 5-5 ट्रेनिंग सेंटर चालू किए अलग अलग वार्ड वाइज, और उसमें बहुत सारी महिला आके 3 महीने तक ट्रेनिंग लेती है। फिर बाद में उनको वो चरखा, सोलर चरखा आता है, वो ऐसे लिया जाए तो 40,000 का आता है, लेकिन मुद्रा योजना अंतर्गत उसमें सब्सिडी में आता है, इसलिए उनको जो भी बिना मूल्य हम लोग उधर देते हैं, और वो घर पे लेके जाके उनका सूत बनाती, सूत कापती है, और सूत बना के 1 किलो का 300 रुपया, 2 किलो बनाए तो 600 रुपया, ऐसा हमने महिलाओं के लिए रोजगारी मिले ऐसे ऐसे अनेक प्रयास हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत अच्छा मैडम, डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो ये संस्थान है, और कनुभाई टेलर जिनसे आप काफ़ी परिचित हैं, यहाँ पे दिव्यांगजनों को निशुल्क सेवाएं दी जाती है और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक विधायक होने के नाते एक प्रतिभाव चाहता हूँ आपसे। डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और बहुत सारे सालों से मैं यहाँ पे आती हूँ, बहुत सालों से मैं जुड़ी हुई हूँ, और हमारे पिता समान कनुभाई टेलर वो भी बहुत अच्छा तरह काम कर रहे हैं। अभी तो मुझे मालूम है कि ये चैनल शायद 4-5 महीने पहले ही पूरे वर्ल्ड में नहीं है ऐसा दिव्यांग चैनल शुरू हुआ है, उनको भी बहुत बहुत मैं शुभेच्छा देती हूँ। और कनु भाई एक एक लोगों का जितना ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का, यानी कि उनके बच्चे तो नहीं है लेकिन फिर भी जो भी उनके स्कूल में बच्चे हैं वो उनके वो अपने बच्चे समझते हैं, पहली कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक इधर बच्चे हैं। तो अभी अभी मैंने नीचे जाके आई देखा तो एक एक बच्चे के खुश चेहरे पे जो खुशी देखती है वही खुशी मैं कनु भाई के चेहरे पे देखती हूँ। तो ऐसा लगता है शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कभी कर नहीं सकता, लेकिन एक खुद दिव्यांग होने के बाद भी इन्होंने इतना बड़ा कदम दिव्यांग अपने स्पेशल बच्चों के लिए करा किया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनको नमन करती हूँ, ऐसा ही उनको भगवान शक्ति देती रहे ऐसा मैं उनको आज बताना चाहती हूँ। एक सक्षम नारी, एक सक्षम विधायक, क्या संदेश देना चाहोगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? आज मैं दिव्यांग चैनल को यही बताना चाहती हूँ कि आप भी दिव्यांग चैनल की मुलाकात लो, यहाँ पे आके जो स्कूल चल रहा है, जो पूरे सूरत शहर के गुजरात के बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, आप देखो उनके बच्चों के चेहरे पे क्या खुशी होती है, और एक बार विजिट करो और कुछ न कुछ हम लोग कुछ सहयोग कर सके ऐसा मैं बताना चाहती हूँ कि आप कुछ न कुछ इधर सहयोग करो। और ये चैनल के माध्यम से आज पूरा देश, आज पूरा विश्व ये देख रहा है कि आज दिव्यांग चैनल कभी किसी ने नहीं प्रस्तुत किया था, लेकिन आज हमारे कनु भाई ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है, उनको मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ। ऐसी इस चैनल के उत्तर तक प्रगति होए और पूरे विश्व में इसका प्रसारण देखने को मिले ऐसा मैं मानती हूँ। एक संदेश सक्षम नारियों के लिए, कैसे सक्षम होना चाहिए आपकी ओर से? एक महिला नारी कभी ऐसे मैं बोलती हूँ कि महिला नारी कभी ऐसे पीछे नहीं हटती है। आज हर एक क्षेत्र में नारी की आघाड़ी है, और हर एक क्षेत्र में नारी पहले दिखाई देगी, वो फिर कौन सा भी क्षेत्र हो,
दरेक फैकल्टी में नारी, आप बैंक से लेके डॉक्टर से लेके इंजीनियर से लेके आज एक लड़की जो अपना एयरप्लेन उड़ा सकती है, तो आज नारी कुछ नहीं कर सकती, सभी सब कुछ सब कर कुछ सकती है। इसीलिए आज जो एक बात और बताना चाहती हूँ कि कनु भाई की भी दो लड़कियां हैं, वो दो लड़कियां आज चैनल से लेके पूरी स्कूल संभाल सकती है। तो इसी नारी नारी शक्ति को मैं नमन करती हूँ। नारी तू नारायणी ऐसे ही नहीं बोला जाता, लेकिन हमको भी नारी का सम्मान करना चाहिए, नारी को मान देना चाहिए, नारी को आगे भेजना चाहिए। यही मैं संदेशा, और जो महिलाओं है जो घर में बैठी है तो घर में भी अपना एक कुछ अपनी जो अंदर की ताकत है बाहर लाए, बाहर आए महिलाओं को प्राधान्य करने के लिए, महिलाओं को नेतृत्व करने के लिए मैं आह्वान करती हूँ। तो दर्शक मित्रों, ये थे हमारे साथ एक सक्षम नारी, एक सक्षम विधायक श्रीमती संगीताबेन पाटिल। तो आज इस कार्यक्रम को हम विराम देते हैं और दोबारा उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार।